ठाकुर रणवत सिंह महाविद्यालय के प्राचार्य कक्ष का एनएसयूआई ने घेराव किया है। पदाधिकारियों ने आरोप लगाया कि कॉलेज में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद जो सत्ता पक्ष का संगठन है उसे अलग तवज्जो दी जाती है, जबकि एनएसयूआई को महत्व नहीं दिया जा रहा है। एनएसयूआई के पदाधिकारियों ने बताया कि कॉलेज के अंदर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता है। यहां परिसर में मीटिंग और सभाएं होती हैं, लेकिन यहां के प्राचार्य को कई बार जानकारी देने के बाद भी उनके खिलाफ कार्यवाही नहीं की जाती है। आइए आपको सुनाते हैं एनएसयूआई के छात्र पदाधिकारियों ने किस तरह से चेतावनी देते हुए ज्ञापन सौंपा है और क्या मांग की है। झंडा लेके मीटिंग मैं पूरी क्लास में रिजर्व कर लीजिए, अभी पूरी क्लास में आते पूरी क्लास में बोला जब बोल रहा है, मैंने फोटो भी खींचा। आज भारतीय राष्ट्रीय छात्र संगठन एनएसयूआई के छात्र पदाधिकारी यहाँ पे ज्ञापन दिए हैं। हम लोग प्रचार कक्ष का घेराव किए हैं और प्रचार कक्ष का घेराव करते हुए हम लोगों की मांग ये थी ज्ञापन बिंदुवर कि जो एबीवीपी संगठन है जो कि सत्ता पक्ष का है उसको यहाँ पे ज़्यादा तवज्जो मिल रही है और लगातार वो राजनीतिक कार्यक्रम कर रहे हैं कॉलेज के अंदर। यहाँ तक कि इस समय पे आप अभी चले जाइए कॉलेज की हर क्लास के बाहर, क्लास के सभी बाहर पोस्टर एक चिपकाया गया है एबीवीपी का। पोस्टर में इनका कोई कार्यक्रम होना है 12 या 18 तारीख को, उसके लिए यहाँ पे एबीवीपी का झंडा लेके कार्यकर्ता आता है और ग्राउंड में बैठ के बेकायदे मीटिंग लेता है, बढ़िया हल्ला करता है। एबीवीपी जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद सब। उसके बाद भी यहाँ कोई कार्रवाई नहीं होती। प्रचार मैम को इसके पहले भी मैं ज्ञापन दे चुका हूँ, इस बार हमारा शांतिपूर्वक ज्ञापन है। मैम को मैंने आदेश दिया, मैम से मैंने निवेदन किया है कि मैम जल्द से जल्द पोस्टर हटा दिए जाएँ। मैम ने तुरंत हटवाने का आदेश दिया है, लेकिन इस बार मैं स्पष्ट रूप से बता दे रहा हूँ कि अगर हम लोगों की छात्र संगठनों को बराबर तवज्जो नहीं मिलेगी, एनएसयूआई एबीवीपी आपको दोनों को बराबर लेके चलना पड़ेगा। अगर आप सत्ता पक्ष का ज़्यादा दुरुपयोग करोगे तो हमें मजबूरन कॉलेज में गेट बंद कर देना पड़ेगा, जिसकी पूरी जिम्मेदारी कॉलेज प्रशासन की होगी। अगली बार हम जब आएंगे तो कॉलेज में ताला बंद कर देंगे, उस दिन ना कोई टीचर अंदर जाएगा ना कोई स्टूडेंट अंदर जाएगा, इसकी पूरी जिम्मेदारी मैम की होगी। प्रचार मैम से आश्वासन हर बार यही मिलता है कि हमको तो जानकारी नहीं थी, आप क्या कर रही कॉलेज में जब आपको जानकारी नहीं है? आपको जानकारी रहनी चाहिए, यहाँ तक कि टीचर खड़ा होकर विमोचन जब कर रहा है उसका तो आपको पता होना चाहिए। क्यों नहीं है आपको पता? आप प्रचार हैं, आप पता लगवाइए। दोबारा ये हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे और हम लोग तालाबंदी कर देंगे। अर्विता अवस्थी मैम जी हैं, नाम पंकज उपाध्याय।